हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, जस्टिफाइंग एजुकेशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस। आई एम योर ट्यूटर एंड फ्रेंड आशीष बचवानी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। सो गाइस, वीडियो में स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, राइट अबाउट द आर्ट ऑफ म्यूजिक एज कंपोनेंट ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। मतलब कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें म्यूज़िक का क्या कंट्रीब्यूशन था और म्यूज़िक आर्ट इंडिया में कैसे ग्रो कर रहा था। तो इसके बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है। द इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट टू ऑफ रिदम एंड हारमोनी इन अ ट्यून। तो इंडिया की जो म्यूज़िक स्टाइल है वो बाकी सारी कंट्रियों की कंपेयर में उनकी ट्यून और उनकी हारमोनी या फिर रिदम की कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट है। The origin of the Indian music can be traced back to Samveda. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर म्यूजिक की शुरुआत जिस बुक से हुई थी उसका नाम है सामवेदा। If you know about everyone, there is a total 4 Vedas, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो सामवेद है यही एक बुक है जहाँ से हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ना शुरू किया। म्यूजिक इन्वॉल्व वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एकॉम्पनिंग द सिंगर। तो म्यूजिक के साथ साथ हम लोग सिंगिंग भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ताल या फिर इसे हम कहते हैं जुगलबंदी। तो म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगर वी कैन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉन्ग्स, जहाँ पर हम लोग गाना गा के और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक को प्ले करके एक ट्यून क्रिएट करते हैं एज अ एंटरटेनमेंट और एज अ नॉलेज। सारे गामा पाधा एनी आर द 7 वॉवल्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक वोकल एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट। तो आप सबको पता होगा कि कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है और कोई भी जो सॉन्ग होता है वो ये 7 ट्यून्स जो 7 वॉवल्स है इसके बेस पर होती है, जो है सारे गामा पाधा एंड नी। इंडियन म्यूजिक इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। तो जो इंडिया का म्यूजिक है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। तो देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक में क्या डिफरेंट है। तो क्लासिकल म्यूजिक वो है जो इंडिया में बहुत ही टाइम से फेमस है, जो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है इंडिया की, दैट्स कॉल्ड द क्लासिकल म्यूजिक, जिसके लिए बहुत ही रियाज करना पड़ता है, जिसके बारे में बहुत सारे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। फॉग म्यूजिक एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक रिलीजन या फिर रीजन के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिकल म्यूजिक की, तो कथक, भरतनाट्यम या फिर कोई भी ऐसा डांस जो क्लासिकल डांस है इसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, दैट्स अ क्लासिकल म्यूजिक। जबकि अगर हम बात करें फोक म्यूजिक, तो गुजरात में इफ़ यू परफॉर्म द गरबा, तो गरबा के साथ जो हम सॉन्ग या फिर म्यूजिक प्ले करते हैं, दैट्स अ फोक म्यूजिक। अगर आपने घूमर देखा हो राजस्थान का, तो घूमर में जो पीछे म्यूजिक प्ले कर सकते हो आप उसके लिए परफॉर्म करने के लिए, दैट्स अ फोक म्यूजिक। द क्लासिकल म्यूजिक हैज़ अ टू स्टाइल, द नॉर्थ इंडियन एंड द साउथ इंडियन, दैट ऑल्सो नॉन एज अ कर्नाटिक म्यूजिक। तो क्लासिकल इंडियन है जो म्यूजिक है उसके दो टाइप हैं, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड साउथ इंडियन म्यूजिक। दीज आर द 5 मेन राग इन द क्लासिकल म्यूजिक, विया श्री, दीपक, हिंडोर, मेघ एंड भैरवी। ये जो 5 राग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री, दीपक, हिंडोर, मेघ एंड भैरवी। इफ यू नो अबाउट दैट कि नरसिंह मेहता एक जो होता है मल्हार राग, अगर आपको पता हो तो मल्हार राग गाकर बारिश लाया करते थे धरती पे, ऐसा मैंने सुना है। तो दिस इज ऑल्सो द राग, वन ऑफ द टाइप ऑफ द म्यूजिक। तो यहाँ पे हमें जो 5 मेन राग बताए गए हैं, श्री, दीपक, हिंडोर, मेघ एंड भैरवी, ये 5 राग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यूजिक के। ईच राग हैज़ इट्स ओन यूनिक फीचर, यहाँ पे जो 5 राग हैं उनमें हर एक राग की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। इट बिलीव दैट द 5 मेन राग नेचुरली कम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 5 जो राग हैं ये नेचुरली लॉर्ड शिवा के पंचमुख से हमें मिले
हैं. दिस इज द फेस, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लॉर्ड शिवा हैव डिफरेंट फाइव फेसिस, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इनके ये पंचमुख में से हमें पांच अलग अलग राग मिले हुए हैं. वो जो राग हैं श्री, दीपक, हिंडोड, मेघन, भैरवी. सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन. अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू. द मेजर ट्रेटिस ऑन द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक आर. तो इसी का एक सब टाइप आप कह सकते हो क्वेश्चन का, कि कौन सा इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेटिस है, कौन से ऐसी बुक है जो हमें इस म्यूजिक से मिलती है. तो नंबर वन है संगीत मकरंद, रिटन बाय पंडित नारद, संगीत रत्नाकर, रिटन बाय पंडित सारंगदेव, एंड संगीत पारिजात, रिटन बाय पंडित अहोबेल. इन तीन म्यूजिक बुक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीन जो बुक्स हैं, संगीत मकरंद जिसको लिखी थी पंडित नारद ने, संगीत रत्नाकर जिसको लिखी थी पंडित सारंगदेव ने, और संगीत पारिजात जिसको लिखनी थी पंडित अहोबेल ने. अमीर खुसरो मेड अ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री एंड म्यूजिक एंड वॉज नॉन एज अ तूतीय हिंद. तो अमीर खुसरो एक इंसान थे जो बहुत ही अच्छे एक गायक हुआ करते थे, या फिर एक पोएट या फिर एक म्यूजिक आर्टिस्ट थे, जिसको इंडिया में तूतीय हिंद, दैट मीन्स द पैरट ऑफ इंडिया. तूतीय हिंद एक्चुअली इज द उर्दू वर्ड, सो वी कैन कॉल हिम अ पैरट ऑफ इंडिया. उन्हें तूतीय हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. भक्ति संगीत, डिवोशनल म्यूजिक ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता ब्लेंडेड द क्लासिकल म्यूजिक विद द फोक म्यूजिक. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो महानुभाव थे, इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक में भी बहुत ही अपना नाम कमाया था, और बहुत ही इन्होंने इस सॉन्ग्स पे या फिर इस म्यूजिक पे अपना हाथ आजमाया हुआ था. बैजू बावरा, अ डेस्पिल ऑफ अ स्वामी हरिदास एंड ड्यूएट गर्ल ताना एंड रीरी मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन म्यूजिक इन द मेडिएवल एज. सो बैजू बावरा एंड स्वामी हरिदास ये जो थे, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा म्यूजिक को इम्प्रूव किया था मेडिएवल एज के टाइम में. एंड ताना एंड रीरी आर द ड्यूएट गर्ल, ये दो गर्ल थी जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक परफॉर्म करती थी. तो ताना एंड रीरी आर द म्यूजिक गर्ल हु कैन परफॉर्म द बेटर म्यूजिक इन द मेडिएवल एज, और इनकी वजह से इंडिया के अंदर म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला था. सो गाइस, ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हमने देखा म्यूजिक के इंट्रोडक्शन के बारे में. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइस.